करने वाले हैं सैमसंग S10 में पबजी टेस्ट। तो जैसा कि आप लुक देख सकते हैं बैक साइड से, और चलिए मैं एक बार आपको इसकी सेटिंग में भी जाके दिखाई देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए हम कर लेते हैं पबजी को ओपन। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों इसके साथ साथ आपको बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा, तभी आपको हमारी वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो हमारा पबजी हो चुका है ओपन। तो चलिए चलते हैं हम कोई मैच में। दोस्तों बात करें इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है, जो इसका सैमसंग एक्सिनोस 1820 है, जो कि काफ़ी पावरफुल दिया गया है। और बात की जाए इसकी बैटरी की, तो बैटरी 3400 mAh की है, यानी कि 3400 mAh की इसकी बैटरी है। और बात की जाए इसकी रैम की, तो 8 GB रैम है एंड इंटरनल स्टोरेज है वो 128 GB है। तो दोस्तों मुझे कोई भी लैग इसमें देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मिलती रहें। और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना ताकि जब हम भी कोई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। तो दोस्तों ग्राफिक्स की बात की जाए तो ग्राफिक्स HDR एक्सट्रीम को सपोर्ट करता है, जबकि पोको F1 HDR अल्ट्रा को सपोर्ट करता है, यानी कि पोको F1 से ज़्यादा ग्राफिक्स सपोर्ट करता है। तो दोस्तों चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होंगी, यानी कि सैमसंग S10 वर्सेज पोको F1 का हम पबजी स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, यानी कि कौन से डिवाइस में सबसे पहले ओपन होगा, और उसमें दोनों में पबजी प्ले भी करके दिखाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना। तो दोस्तों देखते रहिएगा हमारा टेस्ट। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं हम छोटे से घरों पर लैंड, ताकि हम आपको अच्छे से टेस्ट करके दिखा दें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह 60 FPS को सपोर्ट करता है, बहुत ही अच्छे कलरफुल ग्राफिक्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं कुछ छोटे से घरों पर ताकि आपको अच्छे से टेस्ट करके दिखा दें। तो दोस्तों बात करें इसके प्राइस की, तो प्राइस इसका यानी कि 61,000 है, यानी कि 61,000 के आसपास इसके प्राइस हैं। तो हम लैंड कर चुके हैं कुछ छोटे से घरों पर, तो जल्दी से ढूंढते हैं हम कोई गन और आपको करके दिखाते हैं फिर टेस्ट। तो फ़िलहाल मिला है हमें पेन और एक बैग और एक वेस्ट मिल गया है लेवल 1 का। तो चलिए हमें ढूंढना है एक गन जिससे कि हम टेस्ट आप करके आपको दिखा सकें। तो फ़िलहाल हमारे पास बंदा घूम रहा है। तो दोस्तों हमारी न्यू आइडिया, इस वजह से हमें बंदे तो कम मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो फिलहाल हमारे पास शॉर्ट गन ही है, और यहाँ पर बंदे भी उतरे हैं, यानी कि मेरे साथ एक बंदा भी उतरा है, मैंने देखा था। तो चलिए फिलहाल पिस्टल मिल गई है और जल्दी से ढूंढते हैं कोई गन। तो दोस्तों फिलहाल हमारे पास शॉर्ट गन ही है, हमें कोई अच्छी गन नहीं मिली है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर बॉट आएंगे, प्लेयर बहुत कम आएंगे। तो चलिए साइड से घूमकर इस बंदे को किल कर देते हैं, यानी कि एक किल मिल जाएगा हमें। तो चलिए साइड से घूमकर चलते हैं, एक हमारे साथ एक बंदा भी उतरा था, कहीं हमें वो ख़त्म ना कर दे, इसलिए हमें साइड से घूमकर जाना चाहिए जब भी हम गेम प्ले कर रहे हों। तो किसी भी बंदे को हम
जब भी किल लेते हैं किसी भी बंदे का, तो हमें उस बंदे को कंफ्यूज करके मारना चाहिए, कभी भी सामने से अटैक नहीं करना चाहिए। तो हमें यानी कि फाइट वाली गन मिल चुकी है AKM, जो कि मेरी फेवरेट है। आपकी कौन सी फेवरेट है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्तों अगर कोई राय हो आपकी तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे पास एक बंदा था जो उतरा था, ये वही बंदा है, बोट होता तो इतना डैमेज हमें नहीं दे पाता। तो चलिए दूसरी गन भी मिल चुकी है, ले लेते हैं। वैसे भी टेस्ट जो होना था वो हो ही चुका है, चलिए आपको एक बार गन चला के दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप गन के साउंड से भी अमेजिंग कर पा रहे होंगे, चलिए देख लेते हैं एक बार AKM को भी चला के। तो आप सुन सकते हैं AKM का साउंड। तो हेल्थ कम ही है हमें, तो कोई नहीं, टेस्ट ही करना है हमें, कोई गेम प्ले नहीं करना है। तो जल्दी से दिखा देते हैं आपको टेस्ट करके। तो आपको पता लग गया होगा AKM तो वैसे भी अटक के चलती है ज़्यादातर, क्योंकि आपको पता है जब भी किसी फ़ोन में AKM बढ़िया चलती है तो आप समझ लेना उसका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। तो आप देख सकते हैं जायरोस्कोप। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और प्लीज़ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।